सो हेलो दोस्तों, तो यार मुझे लगता है कि आपको पता तो होगा ही कि फाइनली लोकी का ट्रेलर लीक हो ही गया। बहुत लेट हुआ लेकिन हाँ हो तो गया है। तो चलिए बिना देरी करे बात करते हैं इसके बारे में। तो देखो, इस वाले ट्रेलर की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पहला सीजन खत्म हुआ था, या फिर एक तरीके से पहला सीजन शुरू हुआ था। मतलब कि लोकी एक रूम में एंटर होता है जहां पर कोई आदमी टीवी की फाइल पढ़ रहा होता है। अब यार ये फाइल तो नहीं बल्कि कोई बुक लग रही है, और लोकी उस इंसान से हेलो बोलता है। लेकिन यार लोकी बाल बाल ग्लिच हो रहा था, जैसा कि फर्स्ट सीजन में ह्यू रिमेंस हो रहा था हर बार। अब पता नहीं यार ऐसा क्यों हो रहा हुआ। गेंग के साथ ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि वो यार लाइक ए गॉड ही मान लो, इसलिए उसने अपना ग्लिच तो खुद ही लिखा था। लेकिन लोकी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और इसके बाद लोकी हमें ये सारी चीजें बताता भी है। और यार लोकी जिस हिसाब से बोल रहा है, मुझे उम्मीद हो गई है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो मार्वल ने हमारा काटा है वो इसमें नहीं काटेंगे। क्योंकि यार ये एक सीरीज है, और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें जितने भी यूनिवर्स बताए थे एक एक सेकंड के लिए, हो सकता है कि वैसे अलग अलग यूनिवर्स हमें इसमें भी बताए जाए लेकिन कुछ ज्यादा टाइम के लिए। तो यार बस इसीलिए मैं इसका बहुत बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा हूँ। और अब देखो, इसके अगले वाले सीन में लोकी के हाथ में होती है टीवी की वो छड़ी जिससे आदमी गायब हो जाता है। तो लोकी उस वाली छड़ी को लेकर एक दीवार पर मारता है, और उस दीवार के पीछे से निकलते हैं तीन सर, वो भी कैंग द कॉन्करर के। और वो तीनों सर मुझे काफी ज्यादा सिमिलर लगे। पहले सीन में वो हमने रोबोट देखे थे ना, बिल्कुल वैसे ही। और अभी तक जो मैंने आपको सीन बताया तो सारे बच्चे है। इसके बाद आता है एक महासीन, मतलब कि यार उस सीन को देखकर लगता ही नहीं है कि एक लड़की पूरे यूनिवर्स की वाट लगाकर इतने आसानी से सो सकती है। वो सीन है ये सिल्वी वाला, मतलब कितने आराम से सो रही है यार। फिर छोड़ो, इसके सोने से अपनों को दिक्कत नहीं है, अपनों को तो बस इतना जानना है कि ये जहां सो रही है ये वो जगह नहीं है जहां पर इसने लास्ट टाइम केंग को मारा था। तो इसका मतलब अब इसको जगह जगह पर भागना नहीं पड़ रहा, ये एक जगह पर सेटल हो चुकी है लोकी को धोखा देकर। और फिर थोड़ा टाइम पहले लीक भी तो आया था, इसने मैकडोनल्ड्स की पुरानी एक सूट पहन रखा था। और इसके बाद एक सीन में उन लोकी और मोर्बियस को दोनों को साथ में देखते हैं, लेकिन यार उस सीन में गड़बड़ थी। उस सीन में शायद तक लोकी का एक क्लोन था, या फिर उसे वेरिएंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वेरिएंट हमें सिर्फ लोकी ने ही अच्छे बताए हैं। लेकिन वो मुझे क्लोन इसलिए लगा क्योंकि एक तो लोकी में वो पावर है कि वो अपने ही क्लोन बना सकता है, और दूसरी तरफ से दोनों के कपड़े भी सेम है। और फिर ट्रेलर खत्म होता है मार्वल की प्रथा के साथ, एक जोक के साथ, जैसे दोनों पहले सीजन में बैठे होते जब ये दोनों अनजान होते हैं। और फिर लोकी इससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें बुरा आदमी लगता हूँ। मोर्बियस बोलता है नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो। तभी लोकी सारे एवेंजर्स का नाम ले लेता है, जैसे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका वगैरह वगैरह। लोकी बोलता है कि फिर इन्हें क्यों मैं बुरा लगता हूँ। और फिर ट्रेलर खत्म। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।